अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ मैं मछली के अंडे की कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिया है और इसको स्मैश कर लिया है। ज़्यादा आलू नहीं चाहिए, सिर्फ 4 आलू से हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने मछली का अंडा जो है उसको मैंने थोड़ा सा तेल, नमक, हल्दी पाउडर और जीरे के साथ थोड़ा सा पका लिया है। इसमें पानी नहीं डालना है, सूखा ऐसे ही पका लेना है। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे धनिया पत्ता लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अदरक पेस्ट लिया है थोड़ा सा। हरी मिर्ची लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा मैदा लिया है, इसको बाइंडिंग के लिए चाहिए। नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अभी मैं इस आलू के साथ, स्मैश आलू के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने वाली हूँ एक एक कर। अभी मछली की अंडे ले रही हूँ, प्याज डाल ले रही हूँ, अदरक पेस्ट, धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक अंदाजे से, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मैदा मिक्स कर रही हूँ इसके बाइंडिंग के लिए। और ये सारे चीज़ें अब मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कबाब की शेप दे रही हूँ एक एक के। अब कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे हार्ट शेप दे रही हूँ। तो एक एक करके ऐसे मैं कबाब की शेप दे रही हूँ और एक एक बना रही हूँ, मैं तैयार कर रही हूँ कबाब। तब इसी तरह कोई भी शेप कर ले। अब देखिए मैंने सारे कबाब तैयार कर ली और इसको अब मैं मैदा, या आप चाहे तो आप सूजी भी ले सकते हैं, सूजी के साथ इस तरह डस्ट करना है। और मैं भी इसको कंटेनर में रख रही हूँ, आपको आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, तो मैं इसलिए इसको एक एक करके कंटेनर में डाल रही हूँ। इस तरह मैंने कंटेनर में डाल दिया है, अभी मैं इसको फ्रीजर में रखने वाली हूँ। अब मैं इस कबाब को तेल में फ्राई करने वाली हूँ। एक एक करके मैं कबाब डाल रही हूँ तेल में। इसको मीडियम फ्लेम या थोड़ा सा कम फ्लेम में फ्राई करें। अभी मैं पलट रही हूँ, एक तरफ हो गया है ये कबाब। इसी तरह दूसरी तरफ भी फ्राई करना है, बिल्कुल ब्राउन कलर करना है। ये देखिए दोनों तरफ ब्राउन कलर हो गया है। अभी मैं इसको तेल से उठा रही हूँ और इसको, इस कबाब को मैं खीरे की सलाद के साथ गार्निश कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर में वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने खीरे की सलाद बना ली है और इसको, इस कबाब को मैं इसके साथ गार्निश कर रही हूँ। इसी तरह आप इफ्तार में पेश करें, अच्छा लगेगा खाने में। अगर आपकी मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। थैंक यू।